विगत लगभग एक महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है, तब हम सबको, मुझे, आपको, सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक है। ये दो दिन के दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये तीन दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये तीन दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कोम्पोक्वी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है, महिला संगठनों के साथ भी दोनों ओर मेरी मीटिंग हुई है। मतई समुदाय के लगभग 22 सीएसओ को मैं मिल चुका हूं। इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से ज्यादा सीएसओ के साथ मेरी मीटिंग हुई है। बुद्धिजीवी संगठन, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर, समाज के सभी वर्गों के साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है। अलग अलग 11 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा हुई है। ओलंपियंस और राष्ट्रीय खेलों में खेले हुए खिलाड़ियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मेरी चर्चा हुई है। दो राहत कैंपों में मैं गया, दोनों राहत कैंप में स्थिति का जायजा भी लिया है और अलग अलग स्तर के भारत सरकार और मणिपुर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्षा बलों की मीटिंग भी मैंने की है। हमने ढेर सारे फैसले भी किए हैं जो आज मैं बताना चाहूंगा। भारत सरकार विगत एक महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी जिसमें सभी का समावेश होगा, उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं, उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं,
इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड करकर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी।